Welcome to Win Online, your channel for educational videos. This is our series of social studies lesson plans, and grade 1 we have shared the lesson plans of unit 1 with you in our previous videos. Agar aapne nahi dekhi to dekhiye grade 1 ke unit 1 ke complete 12 days ke lesson plans jo hain wo humne aapke sath share kiye hain. Aaj hum unit 2 ki baat kar rahe hain, grade 1, and the topic is my country. We are using Primary Social Skills Book 1 for this. My Country. Now, before we start this unit, इसके detailed lesson plans मैं अपनी अगली video में आपके साथ share करूँगी. This is a great lesson for class project. अगर आप अपनी social studies में अगर आप पूरे साल के दौरान 2-3 projects कराना चाहते हैं तो उसमें से ये unit जो है it is the best. बेस्ट इसलिए है कि जो भी इन्फॉर्मेशन बच्चों ने कलेक्ट करनी है इस यूनिट के लिए वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होगी उनके लिए इकट्ठी करना. बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रेडिली अवेलेबल होंगी उनके प्रोजेक्ट के लिए. तो अगर आप पहला प्रोजेक्ट इसी को करें, माय कंट्री को, तो ये बहुत अच्छा होगा. बच्चों को प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इन्फॉर्मेशन जो है वो आसानी से अवेलेबल होगी माय कंट्री के बारे में. इर्द गिर्द से सारी इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठी कर सकते हैं. इसलिए आज की वीडियो जो है वो इस टॉपिक के साथ जो आप क्लास प्रोजेक्ट कराएंगे उसकी डिटेल के बारे में. एंड द नेक्स्ट अपकमिंग टू वीडियोस, इन द अपकमिंग टू वीडियोस आई विल शेयर द कंप्लीट लेसन प्लान्स ऑफ दिस यूनिट. अब जब हम इस यूनिट को देखते हैं माय कंट्री, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लोकेट देयर कंट्री ऑन द ग्लोब योर वर्ल्ड मैप, रीड राइट एंड मेमोराइज द नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, और किस कॉन्टिनेंट में है उनका मुल्क, रीड राइट एंड मेमोराइज द नेम्स ऑफ द प्रोविंसेस एंड सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, जो ज़्यादा मशहूर सिटीज़ हैं उनके नाम, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल सिम्बल्स, नेशनल सिम्बल्स क्या हैं, जैसे फ्लैग है, नेशनल गेम है, नेशनल बर्ड है, नेशनल फ्लावर है, वो क्या हैं और उनका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ज़रूरी हैं वो. लर्न अबाउट द नेबर्स ऑफ पाकिस्तान, जो नेबरिंग जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं वो कौन कौन से ममालिक हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके फ्लैग्स कैसे हैं, ऑल दैट. ड्रॉ अ पाकिस्तानी फ्लैग एंड द फ्लैग्स ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्री, इसी का ही अगला ऑब्जेक्टिव है ये. एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, मुख्तलिफ सूबों में रहने वाले लोग, उनकी ज़ुबानें, उनके लिबास, उनके खाने जो हैं वो क्या हैं, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो माई कंट्री वाले यूनिट में मौजूद है. इस बुक के अंदर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो है. अच्छा, जब आप क्लास प्रोजेक्ट कराना चाहें तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन तो ये है कि आप क्लास को डिवाइड कर दें, पाकिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं तो 6 ग्रुप्स में, जिसमें 4 जो है वो प्रोविंसेस हो जाएंगे, 1 गिलगित बल्तिस्तान और 1 कश्मीर हो जाएगा. तो 6 ग्रुप्स के अंदर आप क्लास को डिवाइड कर दें और हर ग्रुप को आप एक रीजन, एक प्रोविंस जो है वो दे दें, और वो इस प्रोविंस के अंदर असाइनमेंट क्या है वो इस प्रोविंस की मेजर सिटीज़ के नाम, उनके पिक्चर्स, कौन कौन सी ज़ुबानें बोली जाती हैं, कैसे कैसे खाने इस प्रोविंस के हवाले से मशहूर हैं, लिबास अमूमन जो इलाकाई लिबास हैं इस प्रोविंस के हवाले से वो क्या है, कौन कौन से दरिया हैं यहाँ पर, ये असाइनमेंट जो है वो आप दे सकते हैं. तो आप अगर क्लास में 30 की स्ट्रेंथ है तो 6 ग्रुप्स में बच्चे डिवाइड हो जाएंगे, 5 बच्चों का ग्रुप होगा और हर बच्चे के ज़िम्मे कोई ना कोई असाइनमेंट होगी. अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि असाइनमेंट आपने देनी कैसे है. प्लीज़ डू नॉट राइट दिस वेग थिंग इन द डायरी जिसमें लिखा होता है कि जी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोविंस ऑफ पंजाब. अब दैट इज़ वेरी वेग. वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेड 1 स्टूडेंट्स एंड दिस इज़ नॉट इनफ. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? तो आपने बहुत स्पेसिफिक हो के उनको बिल्कुल एग्जैक्टली बताना है कि उन्होंने क्या चीज़ मालूम करके लानी है, किस चीज़ की तस्वीर लानी है, आप क्या चाहते हैं उनसे, राइट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेड 1. अच्छा, दूसरी जो ऑप्शन है इसी यूनिट में क्लास प्रोजेक्ट के लिए वो ये है कि आप मुख्तलिफ कैटेगरीज दे दें. कोई एक ग्रुप जो है वो सिर्फ लैंग्वेजेस के ऊपर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, पाकिस्तान में बोली जाने वाली सारी लैंग्वेजेस या मेजर जितनी 5-6 हैं, या आप पे डिपेंड करता है, 5-6 आपने उन्हें बताना है कि 5 लैंग्वेजेस को. दूसरा ग्रुप ड्रेसेस पे कर ले. ये अब पूरे पाकिस्तान की कलेक्टिवली आप इंफॉर्मेशन इकट्ठे कर रहे हैं ग्रुप्स, तो इट्स अप टू यू. या तो आप प्रोविंसेस में डिवाइड कर लें और प्रोविंस वाइज करवा लें जो आपको सूट करता है, या फिर आप इन कैटेगरीज में जैसे ड्रेसेस, फूड्स, रिवर, प्रोविंसेस, सिटीज़, नेशनल सिम्बल्स, नेबर्स,
इस सारे को कर दें। अब प्रोजेक्ट बनाना कैसे हैं, उसमें क्वेश्चन बनाने कैसे हैं, उसको डिस्प्ले कैसे करना है, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। इस यूनिट को पढ़ाना अगर आप अगस्त तक के लिए थोड़ा सा डिले कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आगे पढ़ा लें, इस यूनिट को छोड़ दें, आप अगस्त में इस यूनिट को पढ़ाएं, क्योंकि अगस्त में बहुत सारी चीज़ें आसानी से, बैजेस, फ्लैग्स, हर तरफ मिली नगमे चल रहे होते हैं, और ये वो महीना है जिसमें पाकिस्तान बना भी था, तो बहुत सारे टीवी पे प्रोग्राम्स, अखबारों में ऐसे फीचर्स आ रहे होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन दिनों बहुत आसानी से अवेलेबल होती है। तो अगर आपने पहला यूनिट पढ़ा दिया तो उसके बाद इसको स्किप कर दीजिए, इसको आप अगस्त की प्लानिंग के लिए रखिए, बिकॉज दैट वे यू आर एक्चुअली सपोर्टिंग योर स्टूडेंट्स कि वो किस तरह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें। अच्छा, जब प्रोजेक्ट बच्चे बना लें, हर ग्रुप का अपना प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाए, तो प्लीज़ आप अथॉरिटीज़ से, अपनी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के बाद मॉर्निंग असेंबली में प्रेजेंटेशंस करवाइए अपने प्रोजेक्ट्स की, और सारे ग्रुप्स को चांस दीजिए, इरिस्पेक्टिव के किसका काम बहुत शानदार है और किसका मीडियोकर है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो ये प्रोजेक्ट करने के बाद वो इसको प्रेजेंट ज़रूर करें, दैट इज़ द वे दे विल फील कि हाँ उन्होंने जो काम किया है वो उसका कुछ रिवॉर्ड उन्हें मिल रहा है, राइट। इसके अलावा एक और बात जो आप इस मे बी अगस्त के मंथ में कर सकते हैं या ये यूनिट पढ़ाते वक्त आप कर सकते हैं, वो ये है कि आप इस यूनिट के अंदर ही मुख्तलिफ क्विज़ेस और कॉम्पिटिशन्स भी कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान क्विज़ मोटे मोटे 10, 12 या 20 सवाल हो गए और बच्चों से पूछे गए, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट डेट्स हो गई, नेशनल हीरोज़ के नाम हो गए, लीडर्स के नाम हो गए, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन इस तरह की। नेशनल सॉन्ग्स का कॉम्पिटिशन कराया जा सकता है इस यूनिट के साथ, और वो भी आपकी मर्ज़ी है, मॉर्निंग असम्बली में करवाइए या अलहदा से करवाइए। ड्रेस शो कराया जा सकता है, बच्चे इलाकाई लिबासों में ड्रेसअप होकर आएँ, और ज़्यादा अच्छा ये होगा कि वो अपना प्रोजेक्ट जब प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे वो प्रोविंसेस का प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं मॉर्निंग असेंबली में, तो वो उस प्रोविंस के लिबास में खड़े होकर ये अपनी प्रेजेंटेशन करें, तो वो जो है उनको साथ वो ड्रेस भी बच्चे देख लेंगे और उनकी प्रेजेंटेशन के साथ ये रिलेटेड भी होगा, मॉर्निंग असेंबली मैंने लिखा। इसके अलावा फ्लैग ड्राइंग या फ्लैग कलरिंग कंपटीशन भी हो सकता है कि आप लिमिटेड टाइम दें, जैसे 5 मिनट्स हैं, और 5 मिनट्स में कौन सबसे पहले फ्लैग ड्रॉ भी करेगा या कलर भी करेगा या सिर्फ कलरिंग का, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ योर स्टूडेंट्स एंड योर क्लास डायनामिक्स, आप इसको जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं, बट अगेन आई एम सेइंग कि ये इट्स अ वंडरफुल टॉपिक फॉर क्लास प्रोजेक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप असाइनमेंट्स देंगे बच्चों को तो किस तरह से देंगे। देखें, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये लिखा है, जैसे आप ड्रेस, वो ये वाली असाइनमेंट कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान में जितने पहने जाने वाले लिबास हैं उनके बारे में, तो वो कौन सा ड्रेस है, किस प्रोविंस से बिलोंग करता है, किस मटेरियल से बनता है, और उस ड्रेस में क्या क्या आइटम्स हैं, यानी कोई चादर भी उसके साथ शामिल है या कोई हेड गियर, सर पे पहनने वाली चीज़ भी उसके साथ है, एंड देन द पिक्चर ऑफ दैट स्पेसिफिक ड्रेस। तो जब आप बच्चों को देंगे ना असाइनमेंट्स, तो आप या तो ऐसा कीजिए कि इसको खुद से लिख लीजिए पीसेज ऑफ पेपर के ऊपर और फिर उनको दीजिए, वो इसके आगे फिल करें, और यू कैन जस्ट टाइप देम आउट एंड प्रिंट देम, और नीचे आप स्पेस छोड़ सकते हैं फॉर द पिक्चर ऑल्सो, पिक्चर नीचे आ जाए और ऊपर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आ जाए। ये स्पेसिफिक हो के आप बता रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, अगर ड्रेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए। देखिए, अब ये मेजर सिटीज़ के बारे में कि वो सिटी का उन्होंने ढूंढना है, सिटी का नाम क्या है, वो किस प्रोविंस से है, और उस शहर की कोई मशहूर बिल्डिंग की या कोई ऐसा मॉन्यूमेंट या कोई चीज़ जिससे कि वो शहर पहचाना जाता हो उसकी तस्वीर वो लगा दें। अब देखिए, लैंग्वेजेस में मैंने आपके लिए लिखा कि वो लैंग्वेज किस प्रोविंस की है, उस प्रोविंस के किन किन शहरों में वो बोली जाती है, और उस लैंग्वेज की कोई एक ग्रीटिंग वो लिख के लाएँ उस ज़ुबान में, कोई ग्रीटिंग जैसे खुशामदीद या अस्सलाम अलैकुम या इस तरह की लोकल लैंग्वेज में वो ग्रीटिंग लिख के लाएं। तो आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आपको इस तरह के कागज़ बनाने पड़ेंगे और वो बच्चों को देने पड़ेंगे, जिसके ऊपर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके लिए लाएंगे। अब इसमें दो ऑप्शन हैं, या तो ये है कि इसके नीचे ही आप पिक्चर की जगह बनाएं और बच्चे उसके ऊपर पिक्चर चिपका दें, या आप उनसे कहें कि ये इन्फॉर्मेशन और इसके साथ मुझे पिक्चर चाहिए, राइट।
पिक्चर्स अगर अलहदा से आ जाएं तो उसका एक और फ़ायदा हो सकता है, और वो ये फ़ायदा हो सकता है कि यू कैन कट आउट अ बिग चार्ट लाइक दिस, बड़ा सा चार्ट पाकिस्तान के नक्शे की तरह का काट लें, और जो जो तस्वीरें आती जाएं वो रेलेवेंट जहाँ जहाँ हैं, जिस जिस प्रोविंस से बिलोंग करती हैं, वहाँ वहाँ आप उन तस्वीरों को इसके ऊपर पेस्ट करते जाएं, एंड देन यू कैन डिस्प्ले दिस बिग मैप ऑफ पाकिस्तान अलॉन्ग विद ऑल द पिक्चर्स ऑन द क्लासरूम वॉल, आपकी दीवार पे लगा रहे जब तक कि आपका ये प्रोजेक्ट और आपका यूनिट जो है वो ख़त्म नहीं होता. इट विल बी सच अ ब्यूटिफुल डिस्प्ले ऑन द वॉल, और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन भी जो है वो बच्चों को साथ साथ मिल रही है, एंड दे फील प्राउड अगर उनका बनाया हुआ काम जो है वो क्लासरूम में डिस्प्ले हो, तो दैट्स एन एडिड बेनिफिट ऑफ इट. तो जैसे मैंने आपसे कहा, दो ऑप्शन हैं आपके पास. ये यूनिट पढ़ाने के बाद डू अ क्लासरूम प्रोजेक्ट, एंड इट्स एन ईजियर प्रोजेक्ट, और आपके पास बहुत सारा मटेरियल जो है वो इसके हवाले से इकट्ठा हो जाएगा. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल शेयर 6 days प्लान्स, जो कि इस यूनिट को जो आपने सफ़ा ब सफ़ा पढ़ाना है उसके लेसन प्लान्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक शेयर एंड कॉमेंट. थैंक यू.